नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ रौनक। रणतंत्र में आपका स्वागत है। देखो, अब तक तो ये सभी हिंदुस्तानियों को पता चल गया होगा कि दुनिया के सारे दुख एक तरफ और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने का दुख एक तरफ। और कल जो मैंने वीडियो देख लिया, ओहो, तो दुख अल्ट्रा प्रोमैक्स हो गया। क्या हुआ कि कल वीडियो में देखा, पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस ऑस्ट्रेलिया लौटे और उनका स्वागत करने के लिए वहां मुट्ठी भर लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों, क्या बदतमीजी है यार, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? उस आदमी ने अनडिफीटेड टीम इंडिया को हरा दिया, 1,25,000 के स्टेडियम को चुप करा दिया, जो कहा वो करके दिखा दिया, और तुम लोगों ने उसको ऐसे वेलकम किया है? अब इससे ज्यादा लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक बार रोहित भाई वर्ल्ड कप जीतते ना बाबा, तो हम तुम्हें दिखाते कि वर्ल्ड कप जीतने वाले की इज्जत कैसे करी जाती है। अरे लोग रास्ते में बिछ जाते हैं, कहते रोहित भाई हमारे ऊपर से पैर रख के चले जाओ है, लेकिन तुम लोग मूड खराब कर दिया। चलो, आपका मूड थोड़ा बढ़िया करते हैं और आपको बताते हैं कि आज से शुरू हो रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब से कुछ ही महीने दूर है और वो वर्ल्ड कप आप अपने ब्रांड न्यू iPhone 15 पर देख सकते हो, वो भी मात्र 1 रुपए में। कैसे जीतोगे iPhone 1 रुपए में, बताएंगे आपको वीडियो में आगे। फिलहाल जो आज से सीरीज शुरू हो रही है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप हारने के बाद हम एक बार फिर से UPI पान मसाला आटा अगरबत्ती वाली सारी सीरीज पर वापस लौट चुके हैं। लेकिन बताओ, क्रिकेट न देखें तो क्या करें, आखिरकार दुनिया उम्मीद पर ही तो चलती है। तो फिर से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एक नई नवेली टीम इंडिया, एक नई नवेली टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने शुरू करने जा रही है T20 वर्ल्ड कप की तैयारी। और इस सीरीज की क्या खास बात है वो आपको बताते हैं। सबसे खास बात, जस्टिस फॉर संजू सैमसन। संजू सैमसन को वर्ल्ड कप में नहीं लिया गया, संजू सैमसन को एशिया कप में नहीं लिया गया, उनको एशियन गेम्स में भी नहीं लिया गया, और अब संजू सैमसन को बायलैटरल सीरीज में भी नहीं लिया जा रहा है। केरल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर ने इस पर ट्वीट करके नाराजगी भी जताई और बड़ा ही जायज सवाल पूछा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक IPL टीम का कैप्टन अपनी सेकेंड स्ट्रिंग टीम के 15 खिलाड़ियों में भी शामिल होने लायक नहीं। थरूर के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस T20 सीरीज का कप्तान संजू भैया को होना चाहिए था। थरूर साहब की इंग्लिश की तरह उनकी बात भी काफी सही है, क्योंकि संजू सैमसन को बार बार इग्नोर किया जा रहा है और वजह भी नहीं बताई जा रही है, और अब कुछ ऐसा ही बिहेवियर चहल के साथ भी किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो सिलेक्टर्स ने एक बात साफ कर दी कि भुवनेश्वर कुमार को अब टीम इंडिया में वापस दोबारा शायद आप कभी भी न देखे, लेकिन चहल और सैमसन को लेकर ऐसा भी कोई बयान नहीं आ रहा है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, लेकिन माई 11 सर्कल ऐप पर आपको बिल्कुल समझदारी से टीम बनानी है, क्योंकि अगर आप 1 रुपए में iPhone जीतना चाहते हो तो अपना बेस्ट क्रिकेट नॉलेज आपको लगाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करना है। और यह कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, और सिर्फ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, जहां मैं आपको जाने को बोल रहा हूं, वहीं से एक्टिवेट होगा। फिर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के लिए अपनी टीम बनानी, गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए, लेकिन टॉप प्राइज आईफोन 15 है। इसके अलावा मेगा कॉन्टेस्ट में आपको पता ही है बड़े बड़े प्राइजेस हैं, 1 करोड़ रुपए भी जीत सकते हो। मेरा कूपन कोड लगाओ, एक्स्ट्रा रियल कैश भी मिलेगा। बस वीडियो के एंड में टीम बनाकर भी बता दूंगा, क्या समझे। फिलहाल वापस आते हैं इस सीरीज के हाईलाइट नंबर 2 की बात करते हैं, जो है युवा जोश। इस टीम पर नजर डालेंगे तो आपको मिलेंगे आवेश खान, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह। और आपको याद दिला देंगे हमारे पास शायद वर्ल्ड कप से पहले मात्र 15 T20 इंटरनेशनल है, यानी इन खिलाड़ियों को खिलाने का मतलब है BCCI 2024 वर्ल्ड कप में एकदम ही यंग टीम भेजने वाली है, जैसी 2007 में गई थी। इस टीम में शायद बाद में बुमराह, सिराज, पंड्या और शायद कोहली को भी वर्ल्ड कप के टाइम जगह मिल जाएगी। लेकिन सीनियर टीम से T20 में ज्यादा खिलाड़ी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, बल्कि खबर तो ये आ रही है कि रोहित शर्मा का T20 करियर भी क्या हो गया राहुल जी, खत्म। खैर, इसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ अफवाह है, लेकिन जो भी हो, आगे रोहित शर्मा के ऊपर एक स्पेशल वीडियो हम लाएंगे। फिलहाल इस टीम के हाईलाइट नंबर 3, एक और T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव। 2021 के बाद से टीम इंडिया ने T20 में इतने कप्तान बदले हैं जितने टिकटॉक वाले अपने वीडियो में कपड़े बदलते हैं। इस फॉर्मेट में 2 साल में कप्तानी करने वाले सूर्य भैया 9वें खिलाड़ी बने हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और एशियन गेम्स ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम इंडिया की कप्तानी करी थी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है 2024 T20 वर्ल्ड कप में टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या ही करेंगे, क्योंकि पिछले 12 महीने में सारे बड़े T20 मैचों में कप्तानी पांड्या ने ही करी है। अब फ्यूचर में टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा, ये आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन आज माय 11 सर्कल ऐप पर मैं किसको कप्तान बनाने वाला हूं, ये मैं आपको अभी बता देता हूं। 1 रुपए में iPhone जीतने के लिए बहुत जरूरी है ये इंफॉर्मेशन, ध्यान से देखिए। चाहिए तो सेम इंफॉर्मेशन और सेम टीम कॉपी भी कर सकते हो। विकेट कीपर ईशान किशन, मैथ्यू वेड। बल्लेबाजी करेंगे यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा और स्टीव स्मिथ। साथ में सूर्यकुमार यादव। ऑलराउंडर होंगे मार्कस टॉइनिस और ग्लेन मैक्सवेल, जबकि गेंदबाज मेरे दोनों स्पिनर हैं एडम जाम्पा और रवि बिश्नोई। कप्तान बनाऊंगा मैं ऋतुराज गायकवाड़ को, जबकि मेरे उपकप्तान हैं मैक्सवेल। जी हाँ, ये बन गई मेरी टीम। आप भी टीम बनाओ, ढेरों प्राइजेस पाओ। डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया है, डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप। और याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।
बाकी दोस्तों टूटे दिल को जोड़ लीजिए, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी होता है। मेरा नाम रौनक होता है और मैं आपसे मिलूंगा कल पहले T20 मैच का हाल चाल और बवाल लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को भी जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।